और 2,50,000 इसकी डिमांड है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला कार क्लब। जी तो आज मैं आया हूँ गुजरांवाला गाड़ियों के जमा बाज़ार में। आज गाड़ियाँ थोड़ी सी कम है क्योंकि हालात कुछ इस तरह के हो गए हैं। बाकी गाड़ियाँ आपको मैं आज दिखाऊँगा, कुछ जो सस्ते रेट की गाड़ियाँ हुई वो आपको दिखाऊँगा जिनकी कम डिमांड हुई। तो चलते हैं, वीडियो में आपको दिखा देता हूँ गाड़ियाँ, वीडियो में गाड़ियाँ दिखा देता हूँ। ये छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं, ये आपने कमेंट में करके बताना है इस वीडियो में क्या क्या गलती हुई हैं जो मैं आईदा वीडियो में ना करूं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो सबसे पहले ये गाड़ी आ जाती है, ये है सुजुकी बोलान। ये सुजुकी बोलान 2004 का मॉडल है और 4,50,000 इसकी डिमांड है। कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूँ इस गाड़ी की, ये कंडीशन है, अलॉय व्हील इसमें लगे हैं। कंडीशन आपको मैं दिखा देता हूँ, ये कंडीशन आप चेक कर लें। बाकी गाड़ी थोड़ा सा ओल्ड मॉडल है तो ये आप देख लें, ये कंडीशन आप अंदर से देख लें। सीटों की पोशिश अच्छी हुई है, ये नीचे से कंडीशन और ये कंडीशन आप देख लें। बाकी पीछे से आपको दिखा देता हूँ कंडीशन, ये पीछे से कंडीशन देख लें, कंडीशन अच्छी है आप देख लें। आपको दिखा दिया कंडीशन, डिमांड भी मैंने आपको बता दिया और ये इसका मॉडल भी मैंने आपको बता दिया। ये तो इसके बाद ये गाड़ी आ जाती है सुजुकी आल्टो, ये 2008 का मॉडल है और 7,00,000 इसकी डिमांड है। लाहौर नंबर पे ये गाड़ी रजिस्टर है और जो पहले मैंने आपको सुजुकी बोलान दिखाया था वो सिंध नंबर पे रजिस्टर था। तो अभी ये मैं कंडीशन आपको दिखा देता हूँ, पंजाब नंबर पे है। ये भाई ने देखा कि ये कह रहे हैं पंजाब नंबर पर, मैंने थोड़ी सी नंबर प्लेट जो है ना पीले कलर की देखी तो मैंने सिंध कह दिया, वैसे पंजाब नंबर पर रजिस्टर है। कंडीशन इस गाड़ी की भी आपको दिखा देते हैं, ये इस तरफ से देख लें। इसके अलॉय व्हील का डिज़ाइन आप चेक कर लें, अलॉय व्हील का डिज़ाइन जो है ना अच्छा है। अंदर से गाड़ी कंडीशन आपको दिखा देते हैं, ब्लैक कलर इसका जो है ना अंदर से टोटली ब्लैक कलर में है ये गाड़ी। मैनुअल ट्रांसमिशन में है गाड़ी, गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में है, ये चेक कर लें। आपको दिखा रहा हूँ मैं इस तरफ से, जो डोर हैं इसके वो आपको दिखा देता हूँ। ये डोर जो है ना मैनुअल में है, गाड़ी भी मैनुअल में है। और अभी इस गाड़ी का इंजन आपको दिखा देता हूँ मैं, इस गाड़ी का इंजन की क्या कंडीशन है। तो ये इस गाड़ी के इंजन की कंडीशन आप चेक कर लें, कंडीशन अच्छी है। डिमांड मैंने आपको बता दी है, 7,00,000 इसकी डिमांड है। तो चलते हैं अपनी अगली गाड़ी की तरफ। ये तो अगली गाड़ी है सुजुकी FX, वाइट कलर में है, 87 मॉडल है, 87 मॉडल है और डिमांड इसकी 2,00,000 है। कंडीशन मैं आपको गाड़ी की दिखा देता हूँ, कंडीशन अच्छी है। ये देखें सीटें जो है ना ये लेदर कवर में है, क्योंकि लेदर कवर की क्वालिटी भी अच्छी है। ये डैशबोर्ड चेक कर लें, ये इसके डोर की कंडीशन और अंदर से भी आपको दिखा देता हूँ। ये बैक सीट, ये बैक सीट की कंडीशन भी जो है ना अच्छी है। और अभी इसका जो है ना इंजन आपको दिखा देते हैं, इंजन की क्या कंडीशन है। तो इंजन मैं दिखाने लगा, भाई बोनट खोलने लगे हैं अंदर से। जो ये ड्राइवर वाली साइड से पहले आपको मैं दिखा देता हूँ, फिर इंजन की तरफ चलता रहो, इंजन आपको दिखा देता हूँ इसके इंजन की क्या कंडीशन है। ये इसका इंजन मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये इसके इंजन की कंडीशन है, इंजन भी अच्छी कंडीशन में है और डिमांड मैंने आपको बता दिया है इस सुजुकी FX की, 2,00,000 सुजुकी FX की डिमांड है। और ये गाड़ी गुजरांवाला के जुम्मा बाज़ार में मौजूद है। ओनर का नंबर मैं बता दूँ, आप इनके ओनर से कैसे रब्ता कर सकते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 3 नंबर मिलेंगे, उनमें से किसी नंबर पर भी रब्ता करें और कोई भी गाड़ी मैं दिखा रहा हूँ उसका मॉडल और नाम बताएँ और उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करें। और जो है इसके जो ओनर है उनसे डायरेक्ट जो है आप बातचीत करके ये गाड़ी ले सकते हैं और उनसे कमी बेशी करवा सकते हैं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट गाड़ी की तरफ। तो वीडियो की यहीं से लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मैं हर जुम्मा इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। जी तो इसके बाद ये गाड़ी आ जाती है सुजुकी मेहरान, फेयर कलर में ये वाली गाड़ी। ये 2008 का मॉडल है और 9 में रजिस्टर है, 8/9 है। ये गाड़ी की डिमांड 5,25,000 इस गाड़ी की डिमांड है। कंडीशन आपको मैं दिखा देता हूँ, अलॉय व्हील का डिज़ाइन आप चेक कर लें, चेक ठीक है। बाकी अंदर से गाड़ी की कंडीशन आपको दिखा देते हैं, ये देख लें आप अंदर से कंडीशन, ये इस तरफ से कंडीशन आप देख लें, दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये भी कंडीशन अच्छी है और ये अंदर से भी कंडीशन बिल्कुल A1 है।
बाकी ये पीछी ये इस सुजुकी महरान की पिछली साइड है, ये आप इसकी लुक देख लें। और अभी इसी गाड़ी का जो मैं आपको इंजन दिखा देता हूँ, इस तरफ से इसकी लुक देख लें। गाड़ी अच्छी कंडीशन में है, ये सुजुकी महरान का इंजन है, इंजन भी जो है ना अच्छी कंडीशन में है। बोनट चेक कर लें, और डिमांड इसकी मैंने आपको बता दिया 5,25,000। ओनर का नंबर जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में 3 नंबर मिलेंगे, किसी नंबर पर भी रब्ता करें। और गाड़ी का मॉडल और नाम बताएं, यानी ये महरान है, ये 8/9 मॉडल है और ये सुजुकी महरान है, ये बताएं आपको वो बता देंगे, आगे से डिटेल बता देंगे। आप इसके ओनर से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। कुछ ऐसे अफराद होते हैं जो अपना नंबर नहीं शो करवाना चाहते, तो इस वजह से जो है ना मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, वो आपको डायरेक्ट रब्ता करवा देंगे इसके ओनर से, और आप डायरेक्ट ओनर से रब्ता करके इसके बातचीत करके कमी बेशी करवा सकते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट गाड़ी की तरफ जी। तो ये सुजुकी महरान है, 2004 का मॉडल है, और इसकी डिमांड मैं आपको बताता चलूं तो डिमांड जो है इसकी 3,50,000 डिमांड है। लाहौर नंबर पे ये गाड़ी रजिस्टर है, 2004 का मॉडल है, सिल्वर कलर है। कंडीशन इसकी मैं आपको दिखा देता हूँ, अलॉय व्हील इसमें आपको नहीं मिलते, ये पीछे अलॉय व्हील है मौजूद है, बाकी दूसरे ये आपको दिखा देते हैं टायरों में अलॉय व्हील है या नहीं। ये अंदर से कंडीशन है देखना, कंडीशन अच्छी है अंदर से भी। ये बैक सीट की कंडीशन, बैक सीट की भी कंडीशन अच्छी है, ये बैक साइड से आप देख लें, बैक साइड से भी कंडीशन अच्छी है गाड़ी की, ये साइड से आप देख लें। बाकी अलॉय व्हील इसमें आपको मिलते हैं, 3 टायरों में अलॉय व्हील मौजूद है, चौथा हो सकता है वो पंचर हो, वो स्टपनी की जगह जहाँ पर स्टपनी होती है वहाँ पर आओ हो। ये गाड़ी थी, इसकी डिमांड मैंने आपको बता दिया, 3,50,000 इसकी डिमांड है। चलते हैं अपनी अगली गाड़ी की तरफ जी। तो ये अगली गाड़ी है, ये है सुजुकी कल्टस, 2012 का मॉडल है, 9,70,000 इसकी डिमांड है। अलॉय व्हील इसमें आपको नहीं मिलते, व्हील कप इसमें आपको मिलते हैं। अंदर से आपको गाड़ी की कंडीशन चेक करा देता हूँ, ये इसके डोर चेक कर लें, डोर जो है ना इसके मैनुअल हैं। अंदर से जो है ना गाड़ी आप चेक कर लें, गाड़ी जो है मैनुअल ट्रांसमिशन में है, सीटें इसकी फैब्रिक में है, फैब्रिक भी अच्छा यूज हुआ है। और बैक सीट ये चेक कर लें आप, डोर की कंडीशन, और ये अंदर से कंडीशन आपको दिखा रहा हूँ, कंडीशन वाइज जो है ना गाड़ी अच्छी है। अभी इसका इंजन आपको दिखा देता हूँ, इंजन की जी। तो ये 2003 का मॉडल है, हाई सेंट्रो, 6,50,000 इसकी डिमांड है, हरी काम में खरी, यानी ये ग्रीन है तो ये खरी है, हरी काम में खरी। कंडीशन इसकी मैं आपको दिखा देता हूँ, अलॉय व्हील इसमें मौजूद है, कंडीशन इसकी मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ कैसी कंडीशन है, जो कि अभी ये डोर लॉक है, ये चेक करता हूँ, ये भी लॉक है, देखते हैं कौन सा डोर खुला है। ये बैक साइड से आप चेक करें, बैक साइड से देख लें, इसकी कंडीशन अच्छी है, ये किस्मत मेरी अच्छी, इस तरफ से डोर खुला हुआ है, ये हो गया। अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये बैक साइड से भी खुला हुआ है, इससे पहले मैं आपको ये ओनर ये जो है फ्रंट लुक दिखाऊंगा। मैनुअल ट्रांसमिशन में है ये गाड़ी, और डोर भी इसके मैनुअल हैं। बाकी ये बैक साइड जो है इसकी, ये आपको दिखा रहा हूँ, ये भी अच्छी कंडीशन में है, ये इसका छत चेक कर लें, छत भी अच्छी कंडीशन में है, ये बैक डोर चेक कर लें, देख लें यानी, और ये भी अच्छी कंडीशन में है। अभी इसका इंजन आपको दिखा देता हूँ, इंजन कैसी कंडीशन में है। ये तो ये इसका इंजन है, इंजन भी इसका अच्छी कंडीशन में है, ये कुप्पे आप चेक कर लें, चेक करने से मुरादा देख लें कैसी कंडीशन है इनकी। बाकी जब आप आएंगे आप अपनी तसल्ली से चेक करके देख के तो ले कर जाएँगे। डिमांड इसकी मैंने आपको बता दी है, तो ये ग्रीन है, और इसकी डिमांड जो है ना 6,50,000 डिमांड है। ये गाड़ी के लुक इस तरफ से आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, अब चलते हैं अगली गाड़ी की तरफ। तो ये कमर्शियल गाड़ी है, सुजुकी रावी, 89 मॉडल है, और 2,50,000 इसकी डिमांड है। कंडीशन में आपको दिखा देता हूँ ये गाड़ी किस कंडीशन में है। तो ये गाड़ी मैं अभी आपको दिखाने लगा हूँ, ये अंदर से कंडीशन आपको मैं दिखा देता हूँ। अभी अजान हो रही थी तो मैं अंदर बैठा था, और मैं मुआयने कर रहा था, ये देख रहा था ये अंदर से कैसी है गाड़ी। तो ये अभी मगरब की अजान हो रही है, ये देखें, ये 89 मॉडल है,
ये पंखे लगवाए हैं ओनर ने आफ्टर मार्केट, जो कि काफ़ी हवा देते हैं, ये काफ़ी इनकी आउटपुट है। ये इस तरह भी पंखा मौजूद है और ये कंडीशन है इस गाड़ी की, ये अंदर देख लें आप, कंडीशन इस गाड़ी की जो है ना अच्छी है। डिमांड भी इसकी बहुत कम है, आपको बता दिया 2.5 लाख इसकी डिमांड है, 2,50,000 है। ये इसका बैक है जो कि अच्छी कंडीशन में है। ये देख लें गाड़ी मैंने आपको ड्रिल से दिखा दी है, लाइव व्हील इसमें नहीं आते। और ये फ्रंट पे ये जो है ना सेफ गार्ड आपको मिल जाता है, सेफ गार्ड ही आई थिंक इसे कहते हैं। तो चलते हैं अपनी अगली गाड़ी। तो इसके बाद ये है टोयोटा करोला, ये XLi है और GLi में कन्वर्ट हुआ है। पावर विंडो, पावर स्टेयरिंग और ए जी एस इसमें इंस्टॉल हुआ है और ये GLi बन गई है। ये इसकी डिमांड जो है ना 17,30,000 इसकी डिमांड, 17,30,000 इसकी डिमांड है। कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूँ, 2013 का मॉडल और 14 का नंबर लगाया, ठीक है। ये इसके अलावा व्हील का डिज़ाइन मैंने आपको दिखाया है, ये अंदर से कंडीशन दिखा देता हूँ। अंदर से माशाल्लाह गाड़ी में नई जैसी जो है ना खुशबू आ रही है, और आपको दिखा देता हूँ LCD इसमें लगी है। जो मैंने आपको सुजुकी रावे दिखाई है पहले, उसमें भी LCD लगी थी। ये आप देखें कंडीशन इसकी भी अच्छी है, और सीटें इसके जो है ना लेदर में है, मैनुअल में है। ये इसके ट्रांसमिशन और डोर जो है ना इसके पावर है, और स्टेयरिंग भी इसका पावर है। कंडीशन अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसकी लुक है, ये देख लें। और अभी बैक लुक आपको दिखा देता हूँ, ये बैक लुक है इस गाड़ी की, और ये देख लें बैक सीटों की कंडीशन थी वो। और ये इसकी बैक टोयोटा करोला XLi GLi में कन्वर्ट हुई है, ये इसकी बैक लुक है। और अभी इसका इंजन आपको दिखा देता हूँ, ये ब्लर बहुत कर रहा है, ठीक हो गया। तो अभी इसका इंजन मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके इंजन की क्या कंडीशन है। तो इंजन बहुत अच्छी कंडीशन में है, इंजन आप चेक कर लें, देख लें बोनट इसका, देख लें बोनट भी अच्छी कंडीशन में है। और ये इंजन चेक कर लें, इंजन भी अच्छी कंडीशन में है। डिमांड मैंने आपको बता दिया 17,30,000। ये तो इसके बाद आ जाती है ये सुजुकी एवरी, 2010 का मॉडल है और 2014 की इंपोर्ट है, 10/14 है, और 10,80,000 इसकी डिमांड है। कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूँ, कंडीशन इस गाड़ी की जो है अच्छी है, अंदर से दिखा देता हूँ। वाइट कलर में अलॉय व्हील इसमें आपको नहीं मिलते, व्हील कप मौजूद हैं, और गाड़ी मैनुअल इसके डोर हैं, और ट्रांसमिशन जो है ना वो इसकी ऑटो है। एयर बैग इसमें मौजूद है, ये कंडीशन आप देख लें। और अभी बैक लुक इसके दिखा देता हूँ, इसके बैक लुक क्या है। ये आफ्टर मार्केट, ये सीट लगाई गई है, और ये आप रूफ चेक कर लें, और ये इसकी कंडीशन जो है ना अच्छी है सीट की भी। और ये इसके एंट्रेंस पे ये देख लें आप कंडीशन, और उस डोर की कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूँ, भाई बंद करने लगे हैं। तो ये कंडीशन है, बाकी डिमांड मैंने आपको बता दी है इसकी डिमांड क्या है, वरना अगर नहीं बताई तो मैं साथ में मेंशन कर दूंगा इसकी डिमांड क्या है। और ये अंदर से ये इस तरफ से लुक है, तो ये है जी जुम्मा बाज़ार, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, जगह काफ़ी बड़ी है माशाल्लाह। और आज जो है ना गाड़ियाँ कम आई हैं कुछ, आजकल जो है ना माहौल ऐसा हो गया, यानी हालात ऐसे हैं, गाड़ियों की कीमतें ज्यादा हैं, तो देखते हैं आगे गाड़ी कौन सी मिलती है हमें जी। तो ये टोयोटा करोला GLi है, सफ़ेद कलर में है, 2017 का मॉडल है और 18 में ये रजिस्टर है, 27,50,000 इसकी डिमांड है। कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूँ इस गाड़ी की क्या कंडीशन है, और ये अंदर से कैसी लग रही है ये गाड़ी। इससे अंदर जाने से पहले आपको इसका इंजन चेक करा देते हैं, ये इसका इंजन है जो कि A1 कंडीशन में है। दिखाते हैं बैक एक वॉक अराउंड आपको दे दूँ, इससे आपको गाड़ी कंडीशन का अंदाज़ा हो जाएगा, गाड़ी किस कंडीशन में है, ठीक है। अभी इसका इंजन आपको दिखा दिया, अंदर से आपको दिखा देते हैं इनर। ये तो ये इसके डोर की कंडीशन है, डोर इसके पावर है, गाड़ी जो है ऑटो ट्रांसमिशन में है, ऑटो ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है। और ये इसे LCD मौजूद है, और ये इसके आप देख लें ये क्या लिखा हुआ है, जो भी है आपने देख लिया होगा आई थिंक। और ये इसके सीटों की कंडीशन आप देख लें, सीटें भी अच्छी कंडीशन में है माशाल्लाह, गाड़ी बहुत ही नीट एंड क्लीन है। ये GLi है, ऑटो ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट,
ये इसके डोर की कंडीशन आप देख लें, कंडीशन भी अच्छी कंडीशन में है। कंडीशन नहीं यार, ये डोर अच्छी कंडीशन में है, गलती हो जाती है आपको। मैंने बोला था आपने गलतियाँ बतानी है इस वीडियो में, क्या हुई हैं आपने ढूंढते रहने इस वीडियो में गलतियाँ, और आपने बताना है एंड में। ये अभी नहीं खुला इसका आर्मरेस्ट, यह आपको पता है कैसा होता है। यह कंडीशन मैंने आपको दिखा दी है, डिमांड इसकी मैंने आपको बता दी है कि डिमांड इसकी जो है ना 27,50,000 इसकी डिमांड है। ये है वो गाड़ी जो अभी मैंने आपको दिखाई है ये। तो इसके बाद ये सुजुकी कल्टस आ जाती है, ये सुजुकी कल्टस 2005 का मॉडल है और 6,50,000 इसकी डिमांड है। कंडीशन आपको मैं दिखा देता हूँ, सिल्वर कलर में अलॉय व्हील इसमें मौजूद है, अलॉय व्हील का डिज़ाइन आप देख लें। और ये गाड़ी आपको अंदर वाली साइड से दिखा देते हैं, अंदर वाली साइड से क्या कंडीशन है इस गाड़ी की। ये इसकी अंदर साइड से कंडीशन है, जो कंडीशन अच्छी है, मैनुअल ट्रांसमिशन में है गाड़ी, मैनुअल ही डोर है इसके, और बैक सीटों की क्या कंडीशन है वो भी आपको दिखा देते हैं। जो कि ये डोर नहीं खुल रहा मेरे ख्याल से, ये लॉक है। ये सुजुकी कल्टस VXR लिखा हुआ है पीछे, और इस साइड से चेक करते हैं, किस्मत को आजमाते हैं, किस्मत साथ दे गई और ये दरवाज़ा इस साइड से खुल गया। ये दरवाज़े की कंडीशन देख लें डोर की, और ये अंदर से बैक सीटों की कंडीशन देख लें, और ये डैशबोर्ड की मुकम्मल लुक यहाँ से। अभी इसका इंजन मैं आपको दिखाने लगा हूँ, इसके इंजन की क्या कंडीशन है। इंजन अच्छी कंडीशन में है, ये इसका इंजन है, इंजन भी मैंने आपको दिखा दिया। गाड़ी मैंने डिटेल से आपको दिखा दी है, ये सुजुकी कल्टस थी 2005 का मॉडल, 6,50,000 इसकी डिमांड है जी। तो ये जुम्मा बाज़ार है जो कि अभी शाम हो गई है, वो तो मैं लेट आया था, लेट पिछले जुम्मे भी मैं लेट आया था, इसके लिए सॉरी। तो आइंदा जो जुम्मा बाज़ार की वीडियो आएगी वो थोड़ी सी जो है ना बड़ी वीडियो होगी। तो ये वीडियो यहाँ तक थी, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें यार। तो मैं आपके लिए इतनी गर्मी में इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये देखें पसीना आया हुआ है मुझे। तो लाइटें ऑन हो गई हैं, ये देख लें, ये लाइटें ऑन हो गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ओनर का नंबर जो है ना 3 नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उनमें से किसी नंबर पर भी रब्ता करके किसी गाड़ी का भी नाम बता के, मॉडल बता के उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, और डायरेक्ट ओनर से रब्ता करके आप अपनी बातचीत कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।